चांद शान नजर नहीं आया और ईद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आई नो बहुत लेट हो चुका है। तुम यहाँ बैठने लगी हो? कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये थी चांद रात की तैयारियाँ। हमने खीर बनाई और उसके बाद बाजार गए, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। मेरी तो बस होगी, मैं तो आगे नहीं गई, मैं तो आराम से एक शॉप पे बैठ गई और अप्पा जाके आगे से जो जो कुछ लेना था वो लेके आए। लेकिन ये है कि ये कलरफुल बैंगल्स देख के और इतना रश देख के, मतलब मज़ा तो आ रहा था, चांद रात की एक वो फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो अचानक वाली जो एक चांद रात बनी है या ईद बनी है ना, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, रस्म रवायतों के हिसाब से हम अपनी चांद रात की तैयारियां मुकम्मल करते हुए हम लोगों ने खीर बनाई पहले, यानी बाजार जाने से पहले खीर बना के रख दी थी। वापस आए तो वो ठंडी हो चुकी थी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था, तो उसको उठा के हमने फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद, ये थोड़ा सीक्रेट है, ये आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। और सुबह हो गई तो सब लोग ईद की तैयारियों में शुरू हो गए और बच्चे लोग, सब भाई लोग चले गए नमाज पढ़ने। और उसके बाद ये मैं शिज़ा की तैयारियां दिखा रही थी कि वो लोग भी तैयार हो रहे थे। शिज़ा बनठन के बैठ गई है और अपनी तैयारी कर रही थी, साथ में हमारा खाना बन रहा था। बस ये सारी चीज़ें देख के मुझे थोड़ा सा सुकून हो गया। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं आराम से सो गई। और ईद का दिन मेरा बस मत पूछो कैसा गुजरा। मैंने बड़े मज़े से तैयारियां की हैं, अपना सूट निकाला। अच्छा, ये मेरा सूट है क्योंकि मैं ईद पे तो तैयार हो नहीं सकी किसी वजह से। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत क्रेज़ तो था, वो जैसे ईद का होता है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा था। रमज़ान में प्लानिंग करती होती थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बस फिर ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने अपना ईद का जोड़ा निकाला, साथ में आपा का ईद का जोड़ा निकाला और बस उनको रखा, फिर इस्त्री किया हम लोगों ने, तैयारी करके, यानी तैयारी मुकम्मल करके मैंने रखी। और बहुत प्रोडक्टिव भी फील कर रही थी कि भाई बस अब तो तैयारियां शियारियां करनी है, रील्स बनाएंगे, पिक्स लेंगे, और वो जो व्हाट्सएप का एक होता है ना स्टेटस, वो तो भाई फुल लोड कर देना अपनी पिक्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो। ईदी दिखाओ, ईदी ये जो हाथ में है। पैसा ही पैसा होगा। The next day. हम लोग तो तैयार हो गए। आपको पता है शिज़ा आज कौन आ रहा है? जी कौन? हरम। हाँ, वो तो आपकी फ्रेंड हो गई, मेरी भी फ्रेंड आ रही है, मेरी खाला। हाँ आपकी खाला, मुझे लगता है आगे जाओ, देखो आओ देखते हैं। तैयारी भी हो गई है, सब कुछ, रूम की भी सेटिंग कर ली हम लोगों ने, बस अब उनके आने की देरी है। और ये मैं रही, आओ साथ में आओ, आ जाओ। ये मैं और शिज़ा, रुको रुको रुको, चलो आओ देखते हैं, मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। आओ चले, वो आ गए। आ गए हैं? आ गए हैं, आओ देखें। अच्छा कमरे में जाके मिला। हाँ, ना अच्छा कमरे में जाके। हाय हाय, कैसे हो? ठीक ठीक हो? ठीक। सफर कैसा रहा आप लोग का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह हेलो, क्या हाल है? मैं भी हेलो।
ये दो बेस्टीज पता नहीं कब की मिली हुई। और हम भी इतने अरसे के बाद आज मिल रही हैं। कितना टाइम हो गया हमें? ये मेरी फ्रेंड बोल नहीं सकती है। ये बोल नहीं सकती। हाँ हाँ, इसको क्या हो गया? रास्ते में क्या खिलाया इसको? रास्ते में ग्रेप्स खिलाया था, उसके बाद से चुप हो गई है। हाँ मैं वही मैं सोच रही हूँ कि इससे ज्यादा जो है ना, मुझसे ज्यादा तो ये बोलती थी, और आज इसको चुप लग गई है। पता नहीं क्या हो गया। गूंगी गूंगी। हाँ ये है, इस गूंगी हो गई है। पर मेरी फ्रेंड को आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूंगी। ये मेरी ये फुपो मेरी है। फुपो है। हाँ तो मेरी बेस्टी है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, चड्डी बड्डी है। चड्डी बड्डी चड्डी बड्डी। और सुनाओ फिर, सफर कैसा रहा आप लोगों का? सफर अच्छा रहा। मोटरवे का सफर कैसा था आप लोगों का? हाँ मोटरवे का सफर अच्छा रहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी टेंशन लगी थी कि तुम्हारा कैसी तबीयत होगी अब या जो भी। पहले तो काफ़ी लंबा होता था, लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी जल्दी में ही गुजर गया सफ़र। हाँ मोटरवे के बनने से ना थोड़ा सा ईजी हो गया। हाँ बिल्कुल, पहले तो काफ़ी लंबा हो जाता था। हाँ अच्छा था सफ़र, ऑल ओवर गुड। ये मटन है और ये चिकन। रोटियां बने? क्यूटी क्या नाम है इसका? हरम बैरी। बैरी ये आपका छोटू सा फ्रेंड है? ये अभी मेरी बहन भी आ गई। हाय आशो। यस। हाँ अच्छा, ये कितने मंथ्स का है? ये मंथ अभी ये कोई छोटा, काफी बहुत छोटा, अभी एक दो महीने का अभी नहीं होगा। अच्छा ये अभी बिल्कुल छोटू है जी। भूखो लगी मुझे लगता है इसको। फीड कराई थी? फीड फीड कराया? कराया। क्या खाता है? मम्मा सीरी लेग सब बना के देती है। अच्छा हरम ये कहाँ से लेके आए हो? ये यहाँ पे साथ से लेके आए हैं। साथ आए हम सायों से लेके आए हो? यस पड़ोसी। पड़ोसी ये साउंड काटेगा नहीं इसके कारण अपन जैसे लगा लो था। उन्होंने पकड़ के दिया, खुद पकड़ा? मैंने ये दोनों खुद पकड़े। अच्छा भागे नहीं आपको देख के? भागे तो भाग रहे थे अंदर। मैं आ गई थी अब ये आराम से हो गया स्कूल। इसकी पिंक है। बस छोड़ दिया मैंने पापा। इसने यहाँ पे जोड़ के रखो, जोड़ के पकड़ लेना ना। हाँ पकड़ लो इसे, इस तरह पकड़ के रखना। चलो इसे पकड़ के रखना, इसे इधर दे। ये भागते हैं, ये भागने की। इनको ज़्यादा टाइटली मत पकड़ो, हल्का सा पकड़ो। ये ज़्यादा क्या इनके सामने से? ऐसे क्या सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा ही इसको कटोगे? ऐसे तो नहीं होता है। वो टेटिंग नहीं है। अगर ये यहाँ पे भाग गए ना, फिर हम लोग कैसे पकड़ेंगे? ये ब्राउन वाला सबसे मतलब क्या है? ये इतनी सारी चीजें जी हमने अपनी ईदी से लिए है। आपको क्या भाई, हमें भी
यस करवाओ। चलो कोक तो दो थोड़ी सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हम अपनी ग्लास लेके आते हैं, रुको। सर्च फॉर कोक। कहाँ छुपाइए बताओ? अहमद आप बताओ कहाँ है? अहमद बताओ कहाँ पे है? नहीं पता। पता है आप लोगों को? हम ना आपको चॉकलेट देंगे, आप हमें बताओ उन लोगों ने कोक कहाँ पे रखी है? पता है, पता है? हाँ चलो बताओ फिर कहाँ पे है। आओ साथ हमारे आओ, चलो। ओ कोक मिल गई। हमारे मेहमान अपने काम खुद करते हुए, क्या मैं आपको इस्त्री कर दूं? नहीं शुक्रिया। कोई बात नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आज इस लड़की का जो है ना हम एक्सपोज करने वाले हैं असल चेहरा। इस तरह से हमारे ईद के दो तीन दिन गुजरे, यानी चांद रात, ईद डे और नेक्स्ट डे और फिर थर्ड डे। और फिर हमारे मेहमान घर चले गए, पुप्पो लोग आए थे, मामी लोग, उससे पहले भैया, बड़ी अप्पा और भाभी, बच्चे लोग, सब लोग आए हुए थे। और वो क्यों आए हुए थे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई मिस एवरीवन। इस वक्त मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, सब लोग आए और मिल के चले गए, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और उनके आने से ही, सब लोगों के आने से ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इनके जाते ही बारिश स्टार्ट हो गई, मौसम काफ़ी अच्छा बन गया। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना।